चैप्टर टू स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोजोम्स सेल साइकिल एंड सेल डिविजन हियर इन दिस वीडियो आई विल कवर ऑनली द टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोजोम एंड इन द नेक्स्ट वीडियोज वी विल कवर सेल साइकिल एंड सेल डिविजन स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोजोम्स क्रोमोजोम्स की डेफिनेशन क्या होगी इट दीज आर द हाईली क्वाइल्ड एंड कंडेंस्ड क्रोमिटिन फाइबर्स क्रोमिटिन फाइबर्स क्या है अगर आप इस डायग्राम को देख रहे हैं तो सेल के अंदर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है इस न्यूक्लियस के अंदर फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं जब ये फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कंडेंस्ड फॉर्म में आ जाती हैं बड़ा अपने आप को कॉइल कर लेती हैं तो एक स्ट्रक्चर फॉर्म होती है उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं क्रोमोजोम्स तो बेसिकली ये है क्या कॉइल्ड एंड कंडेंस्ड क्रोमेटिन फाइबर क्रोमेटिन फाइबर ही जो कि कॉइल्ड फॉर्म में और कंडेंस्ड फॉर्म में हो जाती हैं उसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम्स और यही जो क्रोमोसोम्स हैं जो क्रोमेटिन फाइबर इसकी बहुत कॉइल्ड फॉर्म में है उसी को हम क्या बोलते हैं डीएनए बोलते हैं सो क्रोमेटिन फाइबर्स अभी जैसे आपको बताया है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन साइड द न्यूक्लियस ऑफ द सेल सेल के न्यूक्लियस के अंदर जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं ये जो क्रोमेटिन फाइबर है ये दो चीज़ों से मिल बना है देयर आर टू कॉम्पोनेंट्स ऑफ क्रोमेटिन फाइबर्स वन इज़ द डीएनए एंड अदर वन आर द हिस्टोन्स सो ओवरऑल डी एन ए फोर्टी परसेंट प्रेजेंट होगा क्रोमेटिन फाइबर्स में और बाकी जो सिक्सटी परसेंट है वो हिस्टोन्स होंगी सो डी एन ए क्या है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ डी एन ए सबसे पहले डी एन ए को डिस्कवर किसने किया था टू साइंटिस्ट थे दैट आर द वैटसन एंड क्रिक वेटसन एंड क्रिक डिस्कवर्ड द डी एन ए इन वेटसन और क्रिक ने डी एन ए को डिस्कवर किया था इसको यूनिट ऑफ हेरिडिट्री भी बोलते हैं डी एन ए इज अ यूनिट ऑफ हेरिडिटी हेरिडिटी यूनिट का क्या मतलब हुआ दैट मीन्स दिस इज द ओनली थिंग विच ट्रांसमिट फ्रॉम पेरेंट्स टू देअर ऑफ स्प्रिंग पेरेंट्स से जो ऑफ स्प्रिंग्स में करेक्टर्स जाते हैं दैट इज ड्यू टू द डीएनए जो डी एन ए है वही ट्रांसमिट होता है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग इसीलिए इसको यूनिट ऑफ हेरिडिटी बोला जाता है डीएनए की स्ट्रक्चर की बात करें तो ये डबल स्ट्रैंडर्ड्स होते हैं मतलब टू स्ट्रैंड होते हैं इसके और अगर हम ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें थ्री कॉम्पोनेंट्स होंगे शुगर फॉस्फेट एंड नाइट्रोजिनस बेसिस नाइट्रोजिनस बेसिस जो हैं वो फर्दर दो तरह के डीएनए में प्रेजेंट होते हैं जो आगे फर्दर उसकी भी टाइप्स हैं बट Nitrogenous bases are of two types. One are the purines and other one are the pyrimidines. Purines ke aage further sub types adenine or guanine hai aur pyrimidines jo hain inki sub type hai cytosine and thymine. अगर हम DNA की structure में इनको देखें तो ये purines और pyrimidines जो हैं ये कैसे located होंगे? ये एक दूसरे के साथ bond बनाएंगे. Purines always makes bond with the pyrimidine. तो वो बनाएंगे नाइट्रोजिनस बेसिस जैसे कि प्यूरिनस में एडेनिन ऑलवेज मेक्स बॉन्ड विद द थायमिन और इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड होगा एंड ग्वेन ऑलवेज मेक्स बॉन्ड विद द साइटोसिन ग्वेनिन का बॉन्ड हमेशा साइटोसिन के साथ बनेगा और इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट होगा हियर इज द डायग्राम ऑफ डीएनए और वी कैन से द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए फर्स्ट वाली स्ट्रक्चर को अगर आप ध्यान से देखें तो जो हमने अभी पढ़ा है पिछली स्लाइड में उसमें एक चीज़ कवर की गई है कि डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है टू स्ट्रैंड्स कैन बी सीन क्लियरली देयर वन इज़ विद द ब्लू कलर एंड अदर वन इज़ विद द स्काई ब्लू कलर डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है हेलिकली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है ये भी कवर होता है अगर इस कॉइल्ड स्ट्रक्चर को जो फर्स्ट वाली डायग्राम है इसको अनवाइंड करके ओपन करके देखें तो जो सेकेंड और थर्ड वाली जो स्ट्रक्चर है वो सेम स्ट्रक्चर हमें बताएगी कि डी के कॉम्पोनेंट्स क्या हैं। जैसे कि सेकेंड स्ट्रक्चर में इसको हमने अनकॉइल्ड कर दिया है इसकी कॉइलिंग को ओपन करके बनाया है तो टू स्ट्रैंड हमें देखने के लिए मिल रहे हैं एक ब्लू कलर का और दूसरा स्काई ब्लू कलर का ये जो दोनों स्ट्रैंड्स है इसको हम बैकबोन ऑफ डीएनए बोलते हैं ये बैकबोन ऑफ डीएनए दो चीज़ों से मिलके बनी है वन इज़ विद द शुगर एंड अदर वन इज़ द फॉस्फेट दो पार्ट से मिलके बनी है शुगर और फॉस्फेट से मिलके बनी है और बीच में इनके जो है वो नाइट्रोजिनस बेसिस लगे हुए हैं जैसे मैंने बताया था कि एडेनिन हमेशा थायमिन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है और ग्वेनिन साइटोसिन के साथ तो सेम अरेंजमेंट से ये जो है वहाँ पे प्रेजेंट होंगे थायमिन अगेंस्ट द एडेन एंड ग्वेन इन अगेंस्ट द साइटोसिन और इन द थर्ड स्ट्रक्चर ये इसको फर्दर ओपन करके बनाया गया है जो एक पेंटोस शुगर यहाँ पर बनाई गई है और इस शुगर के साथ नाइट्रोजिनस बेसिस अटैच हैं और जो ब्ल्यू कलर का डॉट यहाँ पर बनाया गया है वो होगा फॉस्फेट की स्ट्रक्चर सो so, ये डी एन ए की स्ट्रक्चर है जिसमें कि कुछ चीज़ें बताई गई हैं कि ये हेलिकलीकॉयल्ड होता है डबल स्ट्रैंडेड होते हैं इसके डबल स्ट्रैंड्स जो हैं उसको बैकबोन बोलते हैं जो कि शुगर और फॉस्फेट से मिलके बनी है एंड इन बिटवीन दीज बैकबोन्स नाइट्रोजनस बेसिस आर प्रेजेंट देयर सो द सेकंड पार्ट ऑफ द क्रोमिटिन आर द हिस्टोन हिस्टोन्स आर द प्रोटीन्स विच कॉइल्स और पैक द डी ये प्रोटीन्स होती हैं जो डीएनए को पैक करती हैं या रैप करती हैं और जब ये रैप करती हैं तो एक स्ट्रक्चर बनाती हैं दैट इज़ द न्यूक्लियो अगर हम यहाँ पे इस डायग्राम को देखें जो कि न्यूक्लियो है इस डायग्राम में क्या है एट हिस्टोन प्रोटीन्स आर देयर जो ग्रे कलर के आपको सर्कल्स दिख रहे हैं दीज आर द हिस्टोन प्रोटीन्स ये हिस्टोन प्रोटीन्स के अराउंड क्या है डीएनए इसने डीएनए को रैप किया हुआ है और एक यूनिट बनाया हुआ है और ये यूनिट जो है इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियो जोम ऑक्टामर है ऑक्टामी मीन्स एट हिस्टोन प्रोटीन्स के अराउंड जो डीएनए रैप्ड है डीएनए की पैकेजिंग हुई है वो एक यूनिट बना रहा है और उस यूनिट को हम बोलते हैं न्यूक्लियो सो हिस्टोन्स आर बेसिकली प्रोटीन्स विच कॉयल्स एंड पैक्स डीएनए एंड फॉर्म न्यूक्लियो सो क्रोमोजोम इज द हाईली कंडेंस्ड स्ट्रक्चर कॉइल्ड क्रोमेटिन फाइबर अगर हम क्रोमेटिन की क्रोमोसोम्स uh, की स्ट्रक्चर की बात करें तो ओवरऑल जितना भी हमने अभी तक पढ़ा हुआ है उसमें यही है कि क्रोमोसोम्स जो है वो क्रोमेटिन फाइबर्स ही हैं जो कि हाईली क्वाइल्ड और कंडेंस्ड स्ट्रक्चर है और अगर हम इस स्ट्रक्चर को यहाँ पे देखें जो क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर है यहाँ पे क्या है जो क्रोमेटिड्स गिवन है टू आर्म लाइक स्ट्रक्चर्स जो यहाँ पे गिवन है इसको हम बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स और जो बीच में ये क्रोमेटिड्स जो है अटैचमेंट है उस अटैचमेंट को हम बोलते हैं सेंट्रोमियर सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर जो है न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है दो पार्ट से मिल बनी है डी और हिस्टोन और इस वीडियो में हमने ये सारा कवर किया है In the next video, we will cover cell cycle and cell division.